नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल वोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। दिग्गज अभिनेत्री और सिंगर सलमा आगा की बेटी ज़ारा खान को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज और रेप की धमकी मिली है। ज़ारा खान ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में रेप की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। ज़ारा ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्हें इंस्टाग्राम पर लगातार धमकियां दी जा रही थी, उन्हें लगातार अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। यही नहीं, उन्हें रेप की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद ज़ारा ने मुंबई में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तान में जन्मी ब्रिटिश मूल की अभिनेत्री सलमा आगा की बेटी ज़ारा खान को कई दिनों से सोशल मीडिया पर रेप की धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद ज़ारा ने इसकी शिकायत पुलिस में की। वहीं पुलिस ने भी मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सलमा आगा की बेटी ज़ारा खान ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम के जरिए रेप की धमकियां मिल रही हैं। ज़ारा की शिकायत के बाद पुलिस भी हरकत में आई और तुरंत ही आरोपी का पता लगा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में पुलिस को पता चला कि धमकी देने वाली हैदराबाद की एक 23 वर्षीय MBA स्टूडेंट है। ओशिवारा थाने के सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा कि शिकायत के बाद साइबर सेल को सूचना दी गई थी, जिससे लोकल IP एड्रेस का पता चला। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम नूरा सरवर है, जिसने इंस्टाग्राम पर अपनी फर्जी प्रोफाइल बना रखी है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी नूरा और उसके को-वर्कर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, उसी के तहत ज़ारा खान को धमकियां दे रहे थे। हालांकि मामले को लेकर पुलिस अब भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ज़ारा को ये धमकियां क्यों दी जा रही थी। वहीं मामले में फिलहाल धारा 354A और 300B, 509, 506 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत 67A में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि ज़ारा आगा निकाह फेम अभिनेत्री सलमा आगा की बेटी हैं। ज़ारा भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। उन्होंने अभिनेता अर्जुन कपूर के साथ फिल्म औरंगजेब से फिल्मों में डेब्यू किया था। हालांकि ये फिल्म ज़्यादा नहीं चली थी। उसके बाद वो फिल्म देसी कट्टे में भी नजर आईं, लेकिन उनका फिल्मी करियर अपनी माँ की तरह नहीं रहा।